हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये देखिए गाइस, मेरा घर कितना फैला हुआ है ना। हम चले गए थे नानी के घर अरफा का, तो दो दिन वहीं रुक गए। तो बाबू का आज स्कूल था, तो हम जल्दी जल्दी सुबह में आए। तो ये देखिए गाइस, बहुत ऐसे छोड़ के चले गए थे कि हम सोचे थे शाम में आ जाएंगे, पर आ नहीं पाए। अम्मी लोग रोक लीं, तो देखिए किचन भी वैसे ही फैला हुआ है, घर भी इतना सारा फैला हुआ है। अब बाबू को सुबह सुबह स्कूल भेजना था गाइस, तो मैंने जल्दी से स्कूल उसको रेडी करके भेज दिया, टिफिन उफिन बना के। तो बाबू अभी स्कूल गई है, तो चलो अब हम रूम को क्लीन कर लेते हैं गाइस। तो चलो अब हम रूम को सजा के फिर आप लोग को दिखाते हैं कि देखो मेरा रूम कितना क्लीन हो गया। और ईद का कपड़ा लेके आए हैं, घर में फिटिंग करने लेके गए थे, तो चलो वो भी दिखाएँगे आप लोग को। पूरे एंड तक बने रहिएगा गाइस, मेरे ब्लॉग देखिएगा और बताइएगा कमेंट में कि कौन सा ड्रेस आप लोग को अच्छा लगा है। मैं आज सारा ड्रेस दिखाऊंगी ईद में जो ली हूँ, और बाबू का भी जो ली हूँ वो भी दिखाऊंगी गाइस। तो चलो अब हम जा रहे काम करने, बाय बाय। ये देखिए गाइस, हम पूरा काम करके आ चुके हैं, तो रूम भी क्लीन कर लिए हैं। ये देखिए रूम को सजा चुके हैं, किचन भी सजा लिए हैं। तब बाबू अब आएगी, 12:30 हो चुका है, तो बाबू अब आने वाली होगी 1:15 तक। तो चलो जब तक हम आप लोग को अपना ड्रेस दिखा देते हैं। तो ये देखिए बाबू का बैंगल्स है, और ये भी बैंगल्स है, और एक भी बैंगल, 3 बैंगल्स है, तीनों अच्छा लग रहा है आप लोगों का गाइस। तो ये देखिए मेरा ड्रेस है, ये बाबू का ड्रेस है पिंक कलर, मैंने उसका गाउन लिया है गाइस। तो गाउन आप लोगों को कैसा लग रहा है बताइए कमेंट में, लाइट पिंक है। तो इसका मैं फ्लाई लेने वाली हूँ बटरफ्लाई का, तो वो अभी खरीदी नहीं हूँ गाइस। तो वो परी की छड़ी लेनी हूँ, उसको बहुत पसंद है, उसको परी बनाना है, तो चलो हम उसके लिए ख़रीदेंगे अभी जाके, अभी टाइम है 5-6 दिन। तो ये देखिए गाइस कैसा लग रहा है आप लोग को उसका ड्रेस गाउन, मुझे तो बहुत प्यारा लग रहा है, जब वो पहनी थी तो बहुत क्यूट लग रही थी। तो आप लोग बताइए, उसका एक नायरा ड्रेस भी ली हूँ रेड कलर का, तो वो भी दिखाते हैं। चलो आप लोग को उसका नायरा ड्रेस भी बहुत अच्छा लगेगा गाइस। ये ड्रेस का लुक बहुत अच्छा है, पिंक पिंक लाइट पिंक है, पर कलर उसको समझ में आप लोग को नहीं आ रहा है ना। तो ये देखिए गाइस उसका नाम, ये मेरा दुपट्टा है, और ये बाबू का नायरा ड्रेस भी ले रही हूँ। चलो दिखाते हैं इसमें से, सब लेके गए थे ऐसी बंद करके फिटिंग करने। तो ये देखिए गाइस बाबू का नायरा ड्रेस का प्लाजो है, और चलो कुर्ती भी दिखाते हैं आप लोग को, कुर्ती कैसा लग रहा है तो बताइए गाइस कैसा लग रहा है आप लोग को। बच्चा लोग का भी नायरा ड्रेस आ गया, बच्चा लोग भी क्यूट लगेगी, तो मेरी बेटी बहुत क्यूट लगने वाली है गाइस ईद में। देखो परी भी बनने वाली है और नायरा ड्रेस भी पहनेगी। तो चलो हम आप लोग को पूरा व्लॉग दिखा रही हूँ, चलो पूरा व्लॉग में बने रहिएगा गाइस। मेरा ड्रेस देख लीजिए आप लोग को, मेरा ड्रेस कैसा लग रहा है। तो हम दोनों सेम पहने हैं गाइस, माँ और बेटी, पिंक कलर का, तो इसीलिए मैंने भी पिंक लिया है। तो ये देखो मेरा कैसा लग रहा है बताओ कमेंट में, पिंक वाला अच्छा लगा या रेड वाला या फिर ब्राउन वाला, तीनों देख लीजिए गाइस, तीनों में से बताइएगा आप लोग कि तीनों में से कौन सा अच्छा लगा। तो ये देखिए येलो कुर्ती है और पैंट है, कुर्ती पैंट दुपट्टा है, बहुत अच्छा है। तो ये 895 का दाम था, तो 745 रुपये में दिया गाइस, तो अच्छा लग रहा है आप लोग को बताइए। बहुत गर्मी है, गर्मी की वजह से मैंने ये सूती का लिया है, बहुत प्योर अच्छा सॉफ्ट है, तो ईद में मैं यही पहन लूँगी जब उसमें गर्मी लगेगा। तो ये देखिए इसका लुक भी बहुत प्यारा है, और कलर तो बहुत ही अच्छा लग रहा है गाइस, येलो कलर तो मुझे बहुत पसंद है, तो येलो कलर मुझे बहुत पसंद है। 745 में बहुत ही अच्छी प्राइस में दिया है, तो मैंने जल्दी से ले लिया, मतलब डिस्काउंट था इसीलिए। और ये देखिए गाइस, ये मेरा नायरा ड्रेस है, मैंने इसको फिटिंग करने के लिए लेके गए थे गाइस, तो मैंने इसको फिटिंग नहीं किया, कोई दर्जी नहीं ले रहा था, तो इसीलिए मैं इसको नहीं पहन पाऊँगी। तो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग है गाइस, तो हम इसको ईद में नहीं पहन पाएंगे, तो इसीलिए मुझे येलो वाला कुर्ती लेना पड़ा। ये देखिए ये भी बहुत खूबसूरत है, तो हम सोचे कि मीनाल के साथ साथ भी ये वाला दोनों सेम पहन लेंगे, पर एक दिन पहन भी लेंगे क्योंकि लॉन्ग बहुत ज़्यादा है, तो बाद में भी ईद बाद ही फिटिंग करेगा, कोई दर्जी नहीं ले रहा था गाइस, तो इसीलिए हम छोड़ दिए, हम लोग छोड़ो। तो येलो वाला कुर्ती और पिंक वाला थोड़ा सा पहन ही लेंगे। तो और एक तो मैंने फ्रॉक लिया है पिंक कलर का, तो उसका प्लाजो नहीं है और दुपट्टा नहीं है, तो उसका पैंट लेना है मुझे, और पैंट लेना है और दुपट्टा लेना है। ये येलो का दुपट्टा भी बहुत ही खूबसूरत है, तो
चलो हम दो जोड़ा हो गया। ये देखो मेरा पिंक कलर का फ्रॉक, ये बताइए लहंगा अच्छा लग रहा है पिंक कलर का या फिर पैंट जम्पर या फिर नायरा ड्रेसेस या फिर वन पीस फ्रॉक। ये मैंने वन पीस फ्रॉक लिया है तो इसमें ना दुपट्टा है ना पैंट है और लॉन्ग है तो इसीलिए मैंने इसका अभी लॉन्ग है तो कुछ भी ले लूँगी, पैंट और दुपट्टा सेम ही लेना पड़ेगा तो अभी हम लिए नहीं है गाइस। तो ये मैं चेंज करूँगी तीसरे दिन। ये देखिए गाइस कैसा लग रहा है आप लोग को बताओ मुझे, मेरा कौन सा ड्रेस आप लोग को पसंद आया, वन पीस पसंद आया या फिर पैंट जम्पर या फिर नायरा ड्रेस या फिर वो लहंगा। तो ये तीनों में चार ड्रेस हो गया मेरा, मेरे बाबू का भी चार ड्रेस हो गया। तो एक दादी के घर में है और एक दो तो यहाँ है और दो मैं पहना दी हूँ। ये रमज़ान था तो रमज़ान में पहना देने से कपड़ा उसका सवाब नहीं होता तो मैं पहना दी हूँ। तो मुझे तो येलो वाला बहुत ही पसंद आ रहा था गाइस क्योंकि वो बहुत मुझे सूती का कपड़ा बहुत पसंद है तो मेरे बदन में सूती का ही कपड़ा अच्छा लगता है। ये देखिए गाइस मैं इसको नहा दी थी तो ये पूरा बहुत ब्लैक हो गई थी, मैं इसको वाश कर दी हूँ शैम्पू से सरफ से तो अच्छी लग रही है, बहुत क्यूट है। तो ये इसका सिलाई खुल चुका है गाइस तो हम इसका सिलाई कर देंगे और इसका फ्रॉक बना देंगे, सब जगह से फट चुका है तो मेरे मन्नू अभी है नहीं तो मैं इसका सिलाई भी कर दूँगी बैठ के, स्कूल से अभी आने वाली है तो चलो अब हम उसको स्कूल से लाने जाएंगे। तो ये ऐसे मैं ऐसे छोड़ के जा रही हूँ गाइस, उधर से आएंगे तभी सर आएंगे बाबू को लेके आएंगे। तो बताओ कमेंट में मेरा कौन सा ड्रेस अच्छा लग रहा है और प्लीज़ मेरे व्लॉग को पूरा देखिएगा और एंड तक बने रहिए और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा गाइस। मेरे घर में फ्रीज नहीं है, कूलर नहीं है, बहुत चीज़ में तकलीफ से मतलब कर रही हूँ। ये सब मेरी मम्मी एक ड्रेस दिलाई है, ये मैं अपने से ली हूँ, एक दादी के पास से आया है। तो चलो हम अल्फा को लाने के लिए जा रहे हैं, बाय बाय। हेलो गाइस, बाबू का स्कूल आने का टाइम हो गया, 1:15 हो चुका है तो बाबू अभी नीचे आएगी वैन से आएगी तो चलो अब हम लाने जा रहे हैं उसको। ये देखिए गाइस मेरे सब ड्रेस अभी हम उसी रख के जा रहे हैं, आएंगे तब फिर आएंगे, बाबू को भी दिखा देंगे कि देखो बाबू का ड्रेस कैसा लग रहा है। और हम अभी जा रहे हैं, बाबू का आने का टाइम हो चुका है तो बाबू को लाने जा रहे हैं नीचे गाइस। तो बाबू अब आने वाली होगी गाइस तो चलो हम बाबू को लेके आ जाते हैं गाइस, फिर आके कपड़ा सरी आएंगे, बाय बाय। जल्दी 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 चलो मेरी जान, एकदम पिंक पिंक हो गई है बाबू मेरी गर्मी से ना बेटा। स्कूल में क्या पढ़ाई हुआ बेटा? हाँ चलो बेटा सुसु जल्दी 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 आ जा। ये देखिए गाइस बाबू स्कूल से आ चुकी है तो बाबू को मैंने ब्रेड और जेम रोटी खिला दिया है और ये बाबू पूछ रही क्या है, तो ये आपका ब्रेसलेट ले हैं बेटा अच्छा लग रहा है हाँ ईद में पहन के, और ये वाला पिंक और वाला और ये लगौन, ठीक है अच्छा लग रहा है आपको ये लगौन पसंद आया हाँ ईद में पहनना, ठीक है। वो टांगे नहीं है बेटा, वो ऐसे देख रहे थे कैसा लग रहा है, गाइस लोग को दिखा रहे थे। आपको कौन सा ड्रेस अच्छा लगा, पिंक वाला या रेड वाला? रेड आपको पसंद आया तो चलो फिर आपको रेड वाला पहनाएंगे ईद में। चलो चलो आप वहाँ पर लेट जाओ, थक के आए हो ना स्कूल से, चलो डॉल को भी ले लो। अब हम बाबू का कपड़ा सरिया लेते हैं। हाँ डॉग गोरी है, डॉग को पता है क्या करे बेटा, धो दिए थे इसको अच्छा, पास कर दिए अच्छा लग रहा है आपको, शैम्पू पास कर दिए थे और क्या, इसका आईज लगा देंगे, ठीक है आप इसको गंदा नहीं करिएगा, ओके नहीं करना ना, हाँ नहीं देना, ठीक है। फिर सब हम ये सब कपड़ा सरिया ले रहे, ठीक है हम लोग को दिखा
फाइनली हम ही दिखाएंगे गाइज आप लोग। चलो बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। चलो नेक्स्ट में आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। व्लॉग अच्छा है तो आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा, मेरी मन सपोर्ट कीजिएगा। आप लोग को प्यार प्यार की ज़रूरत है गाइज, मुझे मेरे बच्चे को प्यार दीजिए गाइज। मैं मेरी बेटी है ना माशाल्लाह।